أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين फ़मन तकोरफ़ैरल वन तसूम खैैैरल मिनकन तुम तम ए ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था जो तुमसे पहले थे ताकि तुम मुतकी बन जाओ इस आयत के अंदर रोज़े की फर्जियत को बयान किया जा रहा है इसी आयत की वजह से मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है तो इस तरह इस्लाम के और दीगर फ़रज़ हैं और बुनियादी फ़रज़ हैं नमाज है ज़क़़त है हज है इसी तरह रोज़ा भी इस्लाम के बुनियादी फ़राज़ में से है पाँच बुनियादें हैं पांच बुनियादी फ़रज़ हैं उनमें से एक अहम फरीज़ा रोज़ा है जो इस उम्मत पर फ़र्ज किया गया है रोज़े की फ़र्जियत सन दो हिजरी में हुई है यानी हजूरअसलातलाम जब मक् से मदीना हजरत करके तशरीफ़ ले गए तो हजरत के दूसरे साल रोज़ा फ़र्ज हुआ है नमाज तो हजरत से पहले फ़र्ज़ हो चुकी थी लेकिन रोज़ा जो है हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज हुआ है बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि शाबान के महीने में दसवीं शाहबान को रोज़ा फ़र्ज हुआ है और सन दो हिजरी में रोज़ा फ़र्ज हुआ रोज़ा जिस तरह इस उम्मत पर फ़र्ज है इसी तरह इससे पहले भी रोज़ा फ़र्ज है। जैसा कि खुद आयत से ये बात मालूम हो रही है कि रोज़ा सिर्फ़ इसी उम्मत पर फ़र्ज नहीं किया गया बल्कि इससे पहली उम्मतों पर भी रोज़ा था अब कितने दिनों का था उसकी क्या तफसील? ये मस्कूर नहीं है बस इतनी बात मालूम है और होती है कि इस उम्मत से पहले रोज़ा था यहाँ तक कि ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन भी रोज़ा रखा करते थे और यहूद के यहाँ भी रोज़ा था सलाम ने फरमाया कि हमारे रोज़े में और यहूद के रोज़े में फ़र्क़ ये है कि यहूद जो है शहरी नहीं खाते और हम शहरी खाते हैं इसे मालूम हुआ कि रोज़ा रोज़ा उन पर भी था रोज़े के माने हैं रुकना किसी चीज़ से रुकना सोम कहते हैं किसी चीज़ से रुकने को और शरीयत में रोज़ा कहते हैं खाने पीने और नफसानी ख्वाहिश से रुकना सुबह सादिक से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक नीयत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिश से रुकना सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ बग़ैर नीयत के अगर कोई आदमी भूखा रहे दिन भर भूखा रहे तो उसका रोज़ा नहीं होगा नीयत के साथ कि हाँ मैं ये भूखा रह रहा हूँ और खाने पीने और अपनी ख्वाहिश से रुक रहा हूँ ये ये रोज़े के लिए यानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और इबादत के लिए कर रहा हूँ बगैर किसी नीयत के अगर आदमी दिन भर भूखा रहे तो उसका रोज़ा नहीं होगा इसलिए रोज़े में नीयत ज़रूरी है जिस तरह और दूसरी इबादतों में नीयत ज़रूरी है जैसे नमाज में नीयत ज़रूरी है हज में इसी तरह जकवात में भी नीयत ज़रूरी है इसी तरह रोज़े में भी नीयत ज़रूरी है नीयत दिल से होती है ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है बेहतर आदमी ज़बान से कर ले असल नीयत दिल से होती है दिल में इरादा रखे कि मैं रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहा हूँ अल्लाह के लिए भूखा रह रहा हूँ ईमान वाला तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था जो तुमसे पहले थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए रोज़े का मकसद अल्लाह ख़ुद बयान कर दिया कि हमने रोज़ा तुम पर क्यों फ़र्ज़ किया है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए अल्लाह का डर और ख़ौफ़ आ जाए और तुम गुनाहों से बचने वाले हो जाओ असल तकवा है कि आदमी गुनाहों से अपने को बचाएँ ये तकवा है अल्लाह की नाफरमानी से और गुनाहों से अपने को बचाए ये तकवा कहलाता है तो रोज़े के जरिए से इस बात की मश कराई जा रही है कि हमारे अंदर गुनाहों से बचने की इस्तेदाद पैदा हो जाए इंसान है गुनाह होते हैं तो जब आदमी भूखा रहेगा तो आदमी के अंदर गुनाह की तरफ इल्तफात कम होगा आदमी भूखा रहेगा प्यासा रहेगा और अपने को अपनी ख्वाहिश से रोकेगा तो इससे आदमी के अंदर अपनी ख्वाहिशात पर काबू करने का का मलका पैदा होगा और उसकी इस्तेदाद पैदा होगी वरना जब आदमी का पेट भरा हुआ होता है तो फिर आदमी कुछ भी करता है कहीं भी जाता है तो ये रोज़े के ज़रिए से हाँ ये चीज़ हासिल होती है रोज़े का बुनियादी मकसद है इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है या नहीं है समझ रहे कि हाँ हमारे अंदर गुनाहों के छोड़ने की जिन जिन गुनाहों में हम मुब्तला थे पहले रोज़े से पहले उनमें कुछ कमी आई है या नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम रोज़ा भी रख रहे हों और गुनाह भी हो रहा हमसे दवा भी खा रहे हैं और बद भी कर रहे हैं तो जाहिर है कि दवा से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसलिए बिलकस्त हमें गुनाहों को छोड़ना है बिलकस्त हम हर आदमी जानता है अपने बारे में कि मैं किन किन गुनाहों में मुबतला हूँ और किन किन गुनाहों का मैं आदि हूँ बिलखस रोज़े में नीयत करके कि हाँ मुझे इस रमज़ान में इस रोज़े मुझसे छोड़ना है और हमेशा के लिए छोड़ना है रोज़ा इसी लिए आया है ताकि पूरे साल हमें हाँ इसकी आदत पड़े अयाम मदूदाद कहा आगे कि ये रोज़ा पूरे साल के लिए नहीं है बल्कि गिनती के चंद दिनों हैं चंद दिनों तक तीस दिन ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि तुम्हें भारी ना हो इससे पहले भी कहा गया कि रोज़ा सिर्फ तुम्हें पर फ़र्ज नहीं किया गया बल्कि बल्कि तुमसे पहली जो उम्मत आई उन पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया कोई नई बात नहीं और इसी तरह ये पूरे साल के लिए नहीं है चंद दिनों के लिए लिहाजा इसे भारी मत समझो ये मामूली है और चंद दिनों के लिए तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तात की जो है इसत पैदा हो जाए और गुनाहों से बचने की फमन कान अमिन को मरीगा अवाल सफ़रन फ़ायदत मिनयामिन उखर तो जो तुम में से बीमार हो या सफ़र पर हो तो उसके ज़िम्मे दूसरे दिनों में गिनती उतनी गिनती शुमार करना है उतने दिनों रोज़ा रखना है अब अगर कोई रोज़े के महीने में बीमार है और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता आदमी किसी माहिर डॉक्टर ने मुस्लिम डॉक्टर ने ये बात उसको बतलाई है कि रोज़ा तुम्हारे लिए मुजिर है तुम्हारी सेहत के लिए और तुम्हारा मरज़ बढ़ सकता है अगर किसी माहिर मुसलमान डॉक्टर ने ये बात बताई है तो फिर उसके लिए रुख़त है कि वो इन दिनों में रोज़ा न रखे और बाद में फिर इनकी कज़ा करें या फिर आदमी सफ़र शरा पर है यानी अठहत्तर या किलोमीटर इतनी दूरी अगर आदमी तय करके जा रहा है तो उसके लिए भी ये रुख़त है कि आदमी रोज़ा न रख कर के बाद में उनकी क़़ा कर <rik> बाद में कज़ा करना पड़ेगा बेहतर है कि आदमी रोज़ा रखे सफ़र की हालत में अब तो सफ़र आसानी का होता है और सफ़र में सहूलत होती है ट्रेन का सफ़र है बस का सफर है पहले ज़माने में पैदल सफर होता था सवारी का सफर होता था इसलिए रुखसत दी गई लिए रुखसत अब भी है ऐसा नहीं है लेकिन बेहतर है कि सफ़र में आदमी रोज़ा रखे इसलिए कि बाद में ऐसा हो सकता है कि आदमी कजा न कर पाए गफलत की वजह से सुस्ती की वजह से तो सफ़र में रोज़ा रखना बेहतर है लेकिन रुखसत है कि अगर ना रखना चाहे तो नहीं रख सकते लेकिन उसके लिए सफ़र शरयी होना चाहिए फमन खान अमिन को मरीगा सफ़रन फ़ायदत मिनैयामिन उ़र वालीन युतिक़ू नहु फ़दीयतन तमाम मस्किन और उन लोगों पर जो रोज़े की ताकत रखते हैं फदिया है यानि एक मस्किन को खाना खिलाना है इस्लाम के शुरू ज़माने में जब रोज़ा फ़र्ज हुआ था यानी वही संदो हिजरी में उस वक्त ये रुख़त थी इजाज़त थी कि अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा भी रख सकता है और अगर कोई रोज़ा ना रखना चाहे और उसके बदले फ़िदिया देना चाहे तो दे सकता है ये इजाज़त थी शुरू में जब रोज़ा फ़र्ज हुआ था तो ये इजाज़त थी कि अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है और अगर कोई रोज़ा ना रख कर उसके बदले फ़दिया दे उसके बदले फ़दिया दे तो ये इजाज़त थी बाद में ये इजाज़त खत्म हो गई बाद में ये रुख्सत ख़त्म हो गई कि नहीं अब रोज़ा ही रखना है जो रोज़ा रख सकता है उसको रोज़ा ही रखना है रोज़े के बदले फ़िदिया नहीं देना जो रोज़ा रख सकता है उसको रोज़ा ही रखना है ऐसा नहीं है कि हाँ कि रोज़ा न रख करके उसके बदले फिदिया दे दे ये कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है बहुत ज़्यादा माजूर है और रोज़ा रखने की ताकत नहीं है आखिर उम्र में बिल्कुल पहुंच गया जिसको शेख फ़ानी कहा जाता है तो उसके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे और उसके बदले फ़दिया दे दे बस वाहिद इसके अलावा और किसी को इजाज़त नहीं है कि रोज़ा न रख कर के उसके बदले फ़िदिया दे और उन लोगों के ज़िम्मे जो रोज़ा की ताकत रखते हैं फ़दिया है यानी एक मस्किन को खाना खिलाना फ़दिया वही है जो एक सदक़ फ़ित्र होता है जितना जितनी मक़दार तो उतनी ही मक़दार एक फिदिया होता है एक रोज़े का पौने दो किलो गला या उसकी कीमत आदमी दे फमन ततवा ख़ैरा फो ख़ैर वन तसम व ख़ैरकु मिनकुन तुम तम जो नफली कोई खैर का काम करे तो वह उसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो यानी इस हालत में भी यानी कहा गया जो रुखसत थी कि अगर रोज़ा रखना चाहो तो रोज़ा भी रख सकते हो और अगर रोज़ा ना रखना चाहो तो फिदिया दे दो कहा गया कि रोज़ा रखना ये ज़्यादा बेहतर है नहीं उस वक्त भी यही हुकुम था कि रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है फिदिये के मुकाबले में लेकिन अब ये रुक्सत ख़त्म हो गई है अब रोज़ा ही रखना है जो रोज़ा रख सकता है अल्लाह हम सबको अमल के तो सुबह نستغفرك الله ونتوب إليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين